ठंडी लग रही है। ये देखो दोनों, ये देखो दोनों दोनों को। को ऐसे करते जिग जिग जिग। सो गुड मॉर्निंग गाइस, आज संडे नहीं है, आज है रिपब्लिक डे। सो आप सभी को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल। टीवी पे दिखाते हैं रिपब्लिक डे की परेड, हमने भी देखी, सभी ने देखी और काफ़ी अच्छा लगा। प्राउड टू बी एन इंडियन, ये सब देख के अच्छा लगता है कि हमारा रिपब्लिक डे थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है, कुछ नई चीज़ें देखने को मिली हैं। ठीक है, और सबसे जो स्पेशल पार्ट है उसमें, जो लास्ट में जो स्पेशल पार्ट होता है जिसमें सारे प्लेन्स वगैरह दिखाते हैं, वो मेरा फेवरेट पार्ट है। उसके लिए मैं पूरी परेड देख लेता हूँ, उसका वेट करता हूँ। और आज एक और स्पेशल चीज़ है कि आज हमारे घर में बन रहा है राजस्थानी फूड। आई थिंक आधे लोगों ने गैस कर लिया होगा वो क्या है। करते हैं व्लॉग की शुरुआत, मिलते हैं आपको आगे और बताता हूँ मैं कैसे कैसे हम रिपब्लिक डे अपने घर पे ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। कहीं बाहर जाना तो हो नहीं पा रहा है, सो घर पे ही सेलिब्रेट करेंगे। कुहू बोले हैप्पी रिपब्लिक डे पापा, बोलो बोलिए बेटा। अच्छा तुम तो बोल ही नहीं सकते, सॉरी मैं भूल गया था। अब है सरप्राइज रिवील करने का टाइम। जैसे कि मैंने बताया था आपको, आज हमारे घर में बन रही है राजस्थानी डिश। राजस्थानी डिश बेसिकली जो मेनली वो है दाल बाटी चूरमा। वही हम लोग आज घर पे बना रहे हैं आज के दिन। मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, प्याज का दाल बन, ये दाल की प्रिपरेशन हुई इसको तड़का लगाने के लिए। और यहाँ पे बन रही है लहसुन की चटनी, जो कि उसके साथ स्पेशल इंग्रेडिएंट है। जैसे हमने आपको लास्ट टाइम बताया था कि सॉस पकौड़ों की स्पेशल इंग्रेडिएंट है, वैसे ही ये लहसुन की चटनी दाल बाटी के साथ खाई जाती है, काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं। तो मेरे तो अभी से मुंह में पानी आ रहा है। और यहाँ पे दाल बन रही है बाटी के संग में राजस्थानी बहुत स्पेशल चटनी होती है, और लहसुन की चटनी बहुत ज़्यादा स्पेशल है वो लहसुन की चटनी। और क्योंकि मैं राजस्थानी हूँ तो मुझे आज के दिन कुछ मतलब मिट्टी से जुड़ी चीज खाने का इच्छा थी, तो इसलिए मैंने आज दाल बाटी चूरमा बनाया। तो मिट्टी से जुड़ी खाने की चीज़ तो मिट्टी खा लेती। तो यहाँ पे बन रही है बाटियाँ, ये गोल गोल करके हम, और ये मैंने दिखा दूँ कि ये किसमें बनता है, ये है बाटी कुकर। यहाँ हमारी बाटी तैयार है और देख सकते हैं ये जाइंट बाटियाँ कितनी बड़ी बड़ी। एक बाटी का साइज देखिए कितना बड़ा है। एक गड़बड़ हो गई, एक बाटी बड़ी बनी, एक बाटी बड़ी बनी है सब। मतलब ये तीनों एक जैसी बनी है, बिल्कुल इक्वल, लेकिन एक में थोड़ा आटा ज्यादा रह गया। जो मेहनत लगती है उसमें हाथों की ऐसी तैसी हो जाती है एकदम। मतलब हाथ जो है उसमें मतलब इतना, मतलब इसका आटा इतना टाइट होता है ना कि मतलब यहाँ से आर्म्स में से दर्द होने लग जाता है। तो मेरे ख्याल से जो भी बाटी बनाए ना, उसको एक मसाज मसाज वाला बंदा रख लेना चाहिए। जो साथ में इसका आटा सॉफ्ट नहीं लगता, टाइट लगता है। बोलो का बोल, तुम्हें ठंडी लग रही है, ठंडी लग रही है तुमको, ठीक है आता माजी सटक ली। जिस घड़ी का इंतजार था वो आ गई है। दाल बाटी चूरमा के साथ कुछ छोटी छोटी चीजें और हैं, मैं वो आपको दिखाऊंगा, और दिखाऊंगा कि कैसा लुक होता है उसका फाइनली जब वो बन जाती है। होंगी क्या है, क्योंकि जो लोग नए हैं और जो लोग राजस्थान से बिलोंग नहीं करते उनके लिए थोड़ा सा अलग डिश होगा, और ज़्यादातर लोगों को पता है वैसे, और ज़्यादातर मतलब कई लोगों को पता भी नहीं है। तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि ये है हमारा आज का डिनर, जिसमें कि ये इसे कहते हैं बाटी, ये होती है बाटी, ये है लहसुन की चटनी, और इसके साथ बनता है चूरमा। ये चूरमा लड्डू होते हैं, ये बेसिकली जो बाटी, और ये टेस्ट में मीठे होते हैं, ये बाटी थोड़ी सी नमकीन होती है और ये टेस्ट में मीठे होते हैं। साथ में थोड़े से चावल और दाल है, दाल ये स्पेशली ली जाती है दाल बाटी के साथ, यही दाल बनती है हमेशा। और पापड़, और ये है सबसे इम्पॉर्टेंट घी, क्योंकि बाटी विदाउट घी जिसे बोलते हैं ना आत्मा, बाटी की जो आत्मा होती है वो होती है घी। अगर घी ना हो तो बाटी का कोई सेंस नहीं बनता। बता देता हूँ कैसे खाते हैं इसको। इसको एक्चुअली हम लोगों को इसको फोड़ना पड़ेगा इस टाइप से, और इसको दो तरीके खाने के, एक तो आप बाइट लेके एक दाल से ऐसे खा सकते हैं, या फिर इस पूरी बाटी को हम लोग चूर लेते हैं। साइड में रख देता हूँ यहाँ पे, और साथ में आएगी दाल,
जो कि थोड़ी केयरफुली डालनी पड़ेगी। इसमें घी जो कि ये स्पेशल चीज़ है, अगर ये नहीं होगा तो इसमें डिश पूरी नहीं होती हमारी। सो इसमें थोड़ा सा हमने घी डाल दिया है अपने टेस्ट के अनुसार। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम खाते हैं तो कम भी ले सकते हैं। साथ में पापड़ तो है ही, और ये थोड़ी सी चटनी है। सो हम ले लेते हैं चटनी थोड़ी सी। ये हो गया हमारी थाली। सो यहाँ पे एक बाटी फिनिश हो चुकी है, और अब है चूरमे की बारी। इसको हम ट्राई करेंगे। खा रही है, तुम्हें कैसा लगा? अच्छा लगा मैंने। थोड़ा एक्चुअली हमारा चटनी थी वो थोड़ी स्पाइसी बन गई है, तो उसके कारण सब सूसू कर रहे हैं। ये भी देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। ये मीठी डिश होती है, इसको साथ में भी खाया जाता है और बाद में भी आप एज अ डेजर्ट खा सकते हैं इसको। ये मीठा होता है आपको। भाई साहब, मैं वीडियो के लिए नहीं कह रहा है, सीरियसली बहुत टेस्टी बना हुआ है, बहुत 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 ज़्यादा। चप्पल चप्पल का क्या करेगा बेटा, चप्पल का क्या करेगा, छोड़ो इसको, छोड़ दो। ठंडी लग रही है तेरे को? ठंडी लग रही है? चला जा, तू तो खेलते रहना इस तरह। क्या हो रहे हैं, दोनों आपस में बात कर करके खेले जा रहे हैं। देखो इनो, इनको देखो, बालो मेरे बच्चे के बालो। ये देखो दोनों, ये देखो दोनों को, कोई ऐसे करते जिग 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 जिग, ऐसे करते जिग 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 जिग, और हम दोनों के फोटो। ये सऊदी अरब के आदिवासी बन सऊदी अरब का दूल्हा ऐसे 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 घूंघट उठाता हो भैया। माशाल्लाह सुभानअल्लाह, वेरी गुड। शाम के बज रहे हैं 4:30। खाने वाला खाना खिला के मेहनत करके सो गया, और अब जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो इवनिंग की चाय थी वो बनानी पड़ रही है मुझे। तो ये देखिए यहाँ पे हम बना रहे हैं चाय। यह है कप और चन्नी, और यहाँ पे एक कप चाय नहीं, दो कप चाय बन रही है। मतलब आप समझ गए होंगे, बड़ा कप सीनियर लोग का, छोटा कप जूनियर। तो हम हैं आज जूनियर, वो है सीनियर। सो ये चाय बन रही है उनके लिए, निकल ना जाए। अगर ये चाय थोड़ी सी अगर गैस पे भी गिर जाएगी तो हंगामा हो जाएगा, तो चाय को थोड़ा सा बचा के रखना पड़ता है कि वो गैस पे ना गिर जाए, नहीं तो उसकी ड्यूटी साफ करने की मुझे ही साफ करना पड़ेगा फिर वो। तो ये चीज़ हमारे घर में बहुत ध्यान से रखी जाती है कि गैस पे कुछ नहीं गिरेगा, और जो भी गिरेगा वो उसी को साफ करना पड़ेगा जो गिराएगा। तो चाय तो बनानी पड़ेगी। आपने क्यों बना दी चाय? अरे अरे कोई बात नहीं, कोई नहीं, थैंक यू। अच्छा अच्छा, वो बना दी चाय। सो ये बन चुकी है मैडम की चाय, जो उनको बहुत पसंद है, इनकी शाम की चाय। अभी सर्दियां हैं तो ध्यान से पकड़, गिरना चाहे। और यहाँ पे हमारा बच्चा सो गया है। चेयर्स चेयर्स।